सभी को प्रेज़ लॉर्ड जेम्स की सुबह की 8 बजे की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं इसी जगह से आपको काफ़ी वीडियो दिखाऊंगा, और क्योंकि टाइम जब मेरे पास होता है वो टाइम परमेश्वर का होता है, और जितना भी समय मिले सब परमेश्वर में लगा दो, क्योंकि हमारा समय जब परमेश्वर का है तो परमेश्वर का समय भी हमारा है। हालेलुया। यही मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने टाइम को व्यर्थ ना करें। कहीं भी जाते हैं, आप कुछ भी अटेंड करते हैं, परमेश्वर की महिमा करें और वही चीज़ अटेंड करें जो आपको सिर्फ परमेश्वर की ओर से हो। कई बार मेरे अजीज़ में कुछ समय लेना चाहता हूँ, कई बार हम बेकार की शादियों में चले जाते हैं जो हमें लेना देना नहीं होता है ना, जिससे हमारा टाइम ही ख़राब होता है, और हमें पता है कि अगर नहीं जाएंगे तब भी कोई बात नहीं, जबकि परमेश्वर के समय निकालना चाहिए हमें। लेकिन हम समय काट के कई शादियों में पार्टी में पहुँच जाते हैं, जिस कारण से हमें नुकसान होता है ना। प्रार्थना को छोड़ के हम रिश्तेदारी निभाते हैं, प्रार्थना को छोड़ के हम भाईचारा निभाते हैं। कौन सा भाईचारा जो कभी बुलाता है और कभी नहीं बुलाता, समझो उस बात को। शैतान बड़ा पॉलिसी है, वो आपको उसी शादी में भेज देगा जिसका आपको कोई वजूद ही नहीं है। हालेलुया। मैं आपको ये नहीं कह रहा रिश्तेदारी मत निभाओ, निभाओ, लेकिन रिश्तेदार सबसे बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि मैंने इसको चखा है, मैंने जाना है। अगर आप परमेश्वर को छोड़ के इधर उधर भागोगे तो दुख बढ़ेगा और कुछ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जब मुसीबत आती है मेरे अजीज तो कोई भी सामने नहीं आएगा बिना परमेश्वर के। हालेलुया। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि समय की कदर करें, और जो समय परमेश्वर में दिया है वो सब परमेश्वर में लगाए, उसके बाद जो समय बचता है हमारा वो हम वहीं लगाए जहाँ पर परमेश्वर में कहता है ना। और ये परमेश्वर की है कॉलिंग है आप सभी के लिए। मैं प्रार्थना करूँगा, धन्यवाद करते हैं पिता, सुबह की प्रार्थना में आप सबकी अगुवाई करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीज़ों, ये बहुत बड़ी बात पर उन्होंने बताई है कि समय को शैतान चुराने की कोशिश करता है किसी भी तरह से। जैसे आजकल मैच चल रहे हैं है ना, ये वर्ल्ड कप चलता है, तो उसमें समय व्यर्थ करता है शैतान, और कई बार पार्टियों में है ना, गोशिप में, यानी कि समय को व्यर्थ ना करें। लेकिन आज का टॉपिक पर उन्होंने चंगाई के ऊपर दे रखा है, और परमेश्वर एक वादा कर रखा है, उस वादे को जब हम देखेंगे तो आपके जीवन में पूरा होगा। आइए प्रार्थना करेंगे, वचन में जाएंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वचन दिया निर्गमन और उसका 1526 निर्गमन 15:26 में लिखा है इस प्रकार कि यदि तू अपने परमेश्वर का यहोवा का वचन तन मन से सुने। अब तन मन क्या है? मन से सुनता इंसान, कान से सुनता है ना। तन से मतलब क्या है? शरीर भी वहाँ बिठाए और मन भी लगाए। हालेलुया। कई बार हम शरीर तो ले जाते हैं लेकिन मन नहीं ले जाते है ना, और इसी कारण से शैतान हमारे कानों से वचन को चुरा लेता है। तो यहाँ लिखा है यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि पर ठीक है वही करे और उसकी आज्ञा पर कान लगाए। बहुत अच्छा वचन है, जो उसकी दृष्टि में ठीक है। कई बार हमारी दृष्टि में ठीक होता हम वही करते हैं ना, जो परमेश्वर की नज़र में ठीक होता है हम उसे बुरा मान देते हैं। लेकिन नहीं, लिखा है जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञा पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने। तो जितने रोग मैंने मिस्र में भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। आज हो सकता है किसी रोग में हो, आज परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें चंगा की घोषणा करता हूँ, तो मैं घोषणा करता हूँ आपकी चंगाई को लेकर, और कमांड करता हूँ कि बीमारी रिपीट ना आए आपके जीवन में, वो पाप रिपीट ना आए, इन द नेम ऑफ जीसस। आंखें बंद कर प्रार्थना करेंगे। पिता, मैं घोषणा करता हूँ कि आज से बाद इनका समय तेरा समय बन जाए, उनका तन मन से धन से तेरी सेवा करे। मैं डिक्लेयर करता हूँ हाँ और आमीन के साथ। पिता, उनको चंगाई दे अभी इसी वक्त इस वचन के द्वारा, ये सुपर ब्लेस हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह की।